एनसीबी के जोनल डायरेक्टर रहे समीर वानखेड़े और नवाब मलिक जो कि मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनके बीच जो जंग चल रही है उसमें ना सिर्फ समीर वानखेड़े और नवाब मलिक लड़ रहे हैं बल्कि उनके परिवार के लोग भी लड़ रहे हैं। दरअसल जैसा कि देखने में आ रहा है सभी एक दूसरे पर बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। इससे पहले नवाब मलिक पर भी बड़े आरोप लगाए थे समीर वानखेड़े की पत्नी ने, वहीं नवाब मलिक की बेटी अब इस जंग में शामिल हो गई है। जी हाँ, नवाब मलिक की जो बेटी है नीलोफर मलिक खान, उन्होंने कुछ दस्तावेज पेश किए हैं। ये दस्तावेज दरअसल एक मैरिज सर्टिफिकेट है और उन्होंने कहा है कि जब ये मैरिज सर्टिफिकेट सामने आ चुका है जिसमें वो लोग भी हैं जो इस मैरिज के गवाह बने थे, यास्मीन अजीज खान, निखिल और ग्लेन पटेल, दूल्हे का नाम है समीर वानखेड़े, लड़की का नाम है डॉक्टर शबाना कुरैशी। इस पूरे मामले पर जो जंग चल रही है इसमें एक के बाद एक बड़े सबूत सामने आ रहे हैं। हाल ही में नवाब मलिक ने एक तस्वीर शेयर की है जिसमें टोपी पहने हुए समीर वानखेड़े बैठे हैं और एक मैरिज सर्टिफिकेट जो कि शरीयत के हिसाब से है उसे पेश किया है जिसमें समीर वानखेड़े का नाम समीर दाऊद वानखेड़े बताया जा रहा है। पूरे मामले में नवाब मलिक की बेटी नीलोफर मलिक खान ने जो शादी का कार्ड साझा किया है उसमें लड़की का नाम शबाना खान है और लड़के का नाम समीर है। ये कार्ड एक मुस्लिम शादी का है। इस कथित शादी के कार्ड में समीर वानखेड़े का पिता का नाम दाऊद और माता का नाम जाहिदा वानखेड़े लिखा हुआ है। वाले इस पूरे मामले में जो सर्टिफिकेट साझा किया गया है और जिस दावे को नीलोफर कर रही हैं उन पर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की शादी का सर्टिफिकेट और ये सर्टिफिकेट बांद्रा मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस का है। इसमें तीनों गवाहों के साइन है जिनका नाम यास्मीन अजीज खान है, निखिल है और ग्लेन पटेल है। पहले इस पूरे मामले में आपको बता दें कि जंग छिड़ी हुई है, जिस जंग में लगातार एक के बाद एक बड़े सबूत सामने आ रहे हैं और सोचने वाली बात यह है कि अगर समीर वानखेड़े मुस्लिम थे और अब वो हिंदू हैं तो उन्हें इस बात को एक्सेप्ट करने में क्या परेशानी हो रही है। वहीं अगर ये बात सच साबित होती है कि समीर वानखेड़े एक मुस्लिम परिवार से हैं और उन्होंने अपने एससी सर्टिफिकेट का दुरुपयोग करके जोनल डायरेक्टर का पद हासिल किया है तो ये तो और हैरान करने वाली बात है। पूरे मामले में एक के बाद एक नए सबूत सामने आए हैं। समीर वानखेड़े की तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें उन्होंने शरीयत के हिसाब से कपड़े भी पहन रखे हैं और एक सर्टिफिकेट भी सामने आया है, मैरिज रजिस्ट्रार का सर्टिफिकेट भी सामने आया है और शरीयत का सर्टिफिकेट भी सामने आ चुका है। तो ऐसे में ये बड़ी अचंभे वाली बात है कि समीर वानखेड़े ने कोई भी बयान इस पर नहीं दिया है अभी और ना ही इस बात को डिनाय किया है। इसमें जो मौलाना है उनका भी बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि लड़का और लड़की दोनों ही मुस्लिम थे इसलिए उनका निकाह करवाया गया, अदरवाइज वो ना करवाते। लड़के का नाम डॉक्टर शबनम कुरैशी बताया जा रहा है। पूरे मामले में जो पर्सनल होने का मुद्दा था वो अब चीटिंग का मुद्दा बन चुका है। इस मामले में अगर ये बात साबित होती है कि समीर वानखेड़े दरअसल दाऊद समीर वानखेड़े हैं यानी कि वो मुस्लिम हैं तो ऐसे में सवाल उठेंगे कि उन्हें इतने बड़े पद पर कैसे बिठा दिया गया, एनसीबी के डायरेक्टर जोनल डायरेक्टर कैसे बना दिया गया, ये सोचने का विषय रहेगा अगर ये बात साबित हो जाती है कि वो मुस्लिम परिवार से बिलोंग करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप तक पहुंचता रहे हमारा हर लेटेस्ट अपडेट।